ये हम लोगों का मेडिकल कंप्रेसर रूम है, जो मेडिकल गेस्ट टेक्नीशियन बन के आते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल कंप्रेसर रूम का ऑपरेशन मेंटेनेंस देखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल गेस्ट टेक्नीशियन की। सऊदी अरब में मेडिकल एयर कंप्रेसर का ये रूम है पूरा, यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है, ये मेडिकल एयर कंप्रेसर वाला एरिया है, दूसरा ये वैक्यूम वाला एरिया है, ये देखिए वैक्यूम वाला, तीसरा नॉन मेडिकल एयर वाला एरिया है, ये तीसरा नॉन मेडिकल एयर वाला एरिया है, ये तीन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, सऊदी में मेडिकल एयर कंप्रेसर जर्मनी स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ये जर्मनी स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ये मेडिकल स्टैंडर्ड को भी फुलफिल करते हैं, ये क्लीन एंड ऑयल फ्री है जो मेडिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये मेडिकल कंप्रेसर रूम है, इसमें तीन एरिया है, मेडिकल एयर कंप्रेसर ये दो है, वन वर्किंग वन स्टैंड बाय, नॉन मेडिकल एयर हमारे पास तीन है, वन वर्किंग दो स्टैंड बाय, वैक्यूम पंप है हमारे पास दो है, वन वर्किंग वन स्टैंड बाय। तो सबसे पहले हम मेडिकल एयर कंप्रेसर की बात करते हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसका प्रेशर सेटिंग है जिसमें 7 बार से बिलो आने पे, टैंक में अगर 7 बार से बिलो आएगा तो ये ऑटोमेटिक कंप्रेसर चालू हो जाएगा, और 10 बार से अब हो जाएगा इस टैंक का प्रेशर तो ये कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगा, ये इसका मैं 15 बार मैक्सिमम 15 बार है अगर। और इसके 4 पार्ट होते हैं मेडिकल एयर कंप्रेसर का, पहला पार्ट है एयर कंप्रेसर, दूसरा पार्ट है एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर दिख रहा होगा, तीसरा पार्ट है एयर ड्रायर, चौथा पार्ट है स्टोरेज टैंक। तो हम इसको यूँ बोल सकते हैं, मेडिकल एयर कंप्रेसर पहला पार्ट, दूसरा पार्ट है मेडिकल एयर फिल्टर, तीसरा पार्ट ये है ड्रायर, चौथा पार्ट है मेडिकल स्टोरेज टैंक। मेडिकल एयर कंप्रेसर के पहले पार्ट पर एयर कंप्रेसर है, पहला पार्ट मेडिकल एयर का पहला पार्ट जो है एयर कंप्रेसर है, ये ऑयललेस कंप्रेसर है, ये ऑयललेस कंप्रेसर है। मेडिकल गैस टेक्नीशियन की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंप्रेसर के साउंड को चेक करे, तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि इसके साउंड को चेक करे। ये जर्मनी का कंप्रेसर है, क्योंकि सऊदी में जर्मनी और अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ये चेक करें कि इसमें साउंड है या नहीं है, कि नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे वाटर रिलीज वाल्व है, ये ऑटोमेटिक चलता है, अगर ज़रूरत पड़े तो रिलीज करना है तो कर सकता है, ठीक है। अब मेडिकल एयर कंप्रेसर का दूसरा पार्ट होता है एयर फिल्टर, ये है एयर फिल्टर, ये हाई एफिशिएंसी फिल्टर है, इसका काम होता है एयर से ऑयल हार्मफुल गैसेस एंड बैक्टीरिया को रिमूव करता है। इसका क्या क्या काम है, इसके अंदर जो ऑयल है हार्मफुल गैसेस से बैक्टीरिया को रिमूव करता है। मेडिकल एयर कंप्रेसर का तीसरा पार्ट है एयर ड्रायर, इसका काम है ये है एयर ड्रायर, मेडिकल एयर ड्रायर ये है, इसका क्या काम है, एयर में से ऑयल वाटर मिक्सचर इम्प्यूरिटीज एंड मॉइस्चर को रिमूव करता है, ठीक है। ये जो हम लोगों का मेडिकल एयर कंप्रेसर का तीसरा पार्ट एयर ड्रायर है, इसका काम होता है एयर में से ऑयल वाटर मिक्सचर इम्प्यूरिटीज एंड मॉइस्चर को रिमूव करना। और चौथा है मेडिकल एयर कंप्रेसर, ये तीसरा पार्ट है टैंक का, मेडिकल एयर कंप्रेसर का चौथा पार्ट है, मेडिकल एयर कंप्रेसर का ये हम लोगों का चौथा पार्ट है मेडिकल स्टोरेज टैंक। इसके अंदर मेडिकल एयर स्टोर की जाती है, मेडिकल एयर कंप्रेसर का चौथा पार्ट है मेडिकल स्टोरेज टैंक, इसमें से इसमें हम लोग एयर को स्टोर करते हैं और पाइप के थ्रू, ये यहाँ आई, यहाँ से ये कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से फिर इसमें दूसरा पार्ट है नॉन मेडिकल एयर का। नॉन मेडिकल एयर की बात जब करते हैं, ये हम लोगों के पास नॉन मेडिकल एयर के तीन कंप्रेसर है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये है मेडिमिट्री का बना हुआ है और 500 लीटर इसका कैपेसिटी है, 7.5 एचपी है, ठीक है, ये नॉन मेडिकल एयर है। दूसरा
है हमारे पास नॉन मेडिकल एयर में 3 HP का 200 लीटर वाला, ये तीसरा भी हमारे पास 3 HP का 200 लीटर वाला। ये देखिए ये पाइप के थ्रू अंदर लॉन्ड्री में जा रही है, CSHD में जा रहा है जहाँ, और क्लीनिंग वॉशिंग के लिए जहाँ एयर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे नॉन मेडिकल का यूज़ कर रही है। ये देखिए ये दूसरा भी कनेक्ट, तीसरा भी। अब जो पानी इसमें से निकलता है